मैं भोपाल जेल गेट पर उनको मनाने गया था, उनको समझाने गया था कि आप पैसा जमा कर दीजिए, ये बिहार सरकार का पैसा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। बिहार में सत्ता पलट होने के बाद हंगामा लगातार जारी है। बीजेपी यानी कि विपक्ष की तरफ से महागठबंधन की सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी बीच में सुशील मोदी की भी वापस बिहार पॉलिटिक्स में एक्टिव एंट्री हो गई है। वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं बिहार की पॉलिटिक्स में और लगातार मुद्दों को उठाते जा रहे हैं। इसी बीच में उन्होंने कई सारे मंत्रियों से इस्तीफा भी मांगा था, जिनमें एक नाम सुधाकर सिंह का भी है, जो कि आरजेडी के कोटे से मंत्री बने हैं, फिलहाल कृषि मंत्री हैं और जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं। कुछ दिन पहले ही सुशील मोदी ने उनसे इस्तीफा मांगा था, लेकिन जवाब में शिवानंद तिवारी ने भी ये कहा था कि जब अभी वो इस्तीफा मांग रहे हैं तो उस समय जब सुधाकर सिंह बीजेपी में थे तो किस मुंह से सुशील कुमार मोदी उनसे मिलने के लिए जेल में गए हुए थे। क्या उस समय सुधाकर सिंह पाक साफ थे और जब वो महागठबंधन में आ गए तो उनका जो पूरा चरित्र है वो मैला हो गया है। इस पर अब सुशील मोदी ने जवाब दिया है और ये कबूल लिया है कि वो सुधाकर सिंह से मिलने के लिए जेल में गए हुए थे। कारण क्या बताया है, आप सुनिए। बिहार सरकार के कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह, जिन पर बिहार सरकार का 5,31,00,000 रुपए से ज्यादा का बकाया है और जिस पैसे के गबन के आरोप में उनको जेल जाना पड़ा था, जब मुद्दा मैंने उठाया तो श्री शिवम तिवारी जी का बयान आया है कि सुशील मोदी भुवा जेल गेट पर उनसे मिलने क्यों गए थे। तो मैं शिवानंद जी को बता दूं कि मैं भुवा जेल गेट पर उनको मनाने गया था, उनको समझाने गया था कि आप पैसा जमा कर दीजिए, ये बिहार सरकार का पैसा है, उससे लड़िए मत सरकार से, लेकिन उन्होंने पैसा जमा करने से इनकार कर दिया। और जहाँ तक मुकदमे का सवाल है तो गबन का आरोप मैंने नहीं लगाया, ये तो राज्य खाद्य निगम ने जो भभुआ थाने के अंदर जो FIR दर्ज कराया, उस FIR में इस बात का जिक्र है कि ये और इनके भाई अजीत सिंह ने सरकारी राशि का गबन किया, इसलिए इनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरा कि आप जेल क्यों गए, क्या आप आंदोलन करते हुए जेल गए थे या गबन के आरोप में आपको जेल जाना पड़ा। तीसरी बात कि आपने जब 60,00,000 रुपया जमा किया तब आपको पटना हाईकोर्ट से बेल मिली। और चौथी बात कि जो कॉन्ग्रीजेंस था उसके कैशिंग के लिए आप पटना हाईकोर्ट गए, आप CJM के कोर्ट में गए, CJM ने इनकार कर दिया, तब आप हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। तो सुधाकर जी, आज भी 5,31,00,000 रुपए से ज़्यादा आपके ऊपर राज्य सरकार का बकाया है और ब्याज जोड़े तो 12,00,000 रुपए से ज़्यादा का बकाया है। अगर मंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं तो इस राशि को जमा करें, नहीं तो मंत्री पद छोड़ दीजिए। और मुझे डर है कि कहीं लालू जी और जगता बाबू के दबाव में कहीं नीतीश जी नीतियों में बदलाव न कर दें ताकि सुधाकर सिंह जैसे लोगों को और राहत मिल सके। इसलिए मैंने जो भी आरोप लगाया वो दस्तावेज के आधार पर, सबूत के आधार पर, और मैं अपने आरोपों पर आज भी कायम हूँ। तो आपने सुशील कुमार मोदी को सुना, उन्होंने बताया कि हाँ, मैं भभुआ जेल में मिलने के लिए गया था सुधाकर सिंह से, लेकिन मैं उनसे इसलिए मिलने गया था क्योंकि मैं उन्हें ये बात बताना चाह रहा था कि आपने जो पैसों का गबन किया है वो सरकारी पैसे हैं, वो बिहार सरकार के पैसे हैं, तो आप उसे वापस कर दीजिए। और कई सारी बातें सुशील कुमार मोदी ने कही जो उस केस से जुड़ी हुई टेक्निकलिटीज थी उसके बारे में भी बताया कि 60,00,000 का जुर्माना देने के बाद वो बाहर आ पाए, उन्हें जो है इस झमेले से मुक्ति मिल पाई। इसके अलावे भी कई सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने अजीत सिंह के ऊपर, जो कि सुधाकर सिंह के भाई हैं, उन पर भी कई सारे इल्जाम लगाए, लेकिन इसी बीच में उन्होंने कहीं ना कहीं ये कबूल ही लिया सीधे लफ्जों में कि वो सुधाकर सिंह से मुलाकात करने के लिए भभुआ जेल में गए हुए थे, जिसके बाद अब सियासत फिर से गर्मा रही है। आप कह सकते हैं कि सुशील मोदी अपने उठाए मुद्दे में कहीं ना कहीं फंस गए हैं। अब महागठबंधन की तरफ से, खास करके RJD की तरफ से इस पर बहस छिड़ेगी। शिवानंद तिवारी ने तो पहले ही सवाल पूछा और आज जवाब देते हुए सुशील कुमार मोदी ने कबूल भी लिया कि उन्होंने मुलाकात की थी सुधाकर सिंह से। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर सियासत और कितनी गर्माती है। सुशील मोदी तो लगातार विपक्ष के तरफ से सत्ता पक्ष पर हमला कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार लगता है कहीं ना कहीं अपने बयानों में ही वो फंस गए हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तमाम खबरों के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।